राकेश जी, एक बार फिर से 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने नए कृषि कानून के खिलाफ भारत बंद बुलाया है, लेकिन कृषि मंत्री बार बार ये आपसे कह रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, आज भी उन्होंने बयान दिया, सुना है हमने बयान, कि बातचीत को तो हम तैयार हैं, भारत बंद क्यों बुलाया जा रहा है, बातचीत के लिए आए किसान? हम ये कह रहे हैं कि वे कहां बातचीत को बुला रहे हैं, अभी हमने बयान सुना है, आज ही रिपोर्ट में सुना है, बेवकूफ मान रहे हैं क्या, कि हम जानते हैं क्या, सुना उन्होंने, बताओ क्या कहा कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, लगातार ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अरे रुकता जा, और कानून वापसी लेंगे नहीं, यही तो कह रहे, या आज उन्होंने ये कह दिया कि बातचीत कर लो, वे कंडीशन ये लगाते हैं कि कानून तो वापसी लेंगे नहीं और बातचीत कर लो। जब उन्होंने कंडीशन लगा दी, पहले ही पर्चा लीकेज कर दिया जी, तो जोन सा पर्चा पहला आउट हो जाता है, आप ही चलाते हो, फिर के पर्चा आउट हो गया, वे परीक्षा कैंसिल कर दो, तो पर्चा आउट करके और परीक्षा देंगे क्या, या पागल मानते हैं वे किसानों को? नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आज की भारत बंद से कुछ असर होगा, सरकार के कानों तक आवाज जाएगी, और जो आपकी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द होने चाहिए, उस पर विचार होगा? हम ये कह रहे हैं कि भारत बंद तो पहले भी होया होगा, या बीजेपी ने कभी भारत बंद करा ही नहीं, भारत बंद तो होते हुए आए पहले से भी, ये भी आंदोलन का एक हिस्सा रहता है। नहीं, लेकिन पिछले 10 महीनों से आप लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, हाईवे पर डटे हुए, बॉर्डर के इलाकों पर डटे हुए, अलग अलग तरीकों से विरोध कर ही रहे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं, आपको लगता है कि आज के भारत बंद से कुछ असर होगा? अरे हो जाएगा, देश आजादी में 90 वर्ष लगे थे, अभी कोई ज्यादा टाइम थोड़ा हो गया, 10 ही महीने तो हुए, 10 महीने ही तो हुए, हो जाएगा अगले 10 महीने में, हो जाएगा, क्या दिक्कत होगी, यानी लंबा इंतजार करने को आप तैयार हैं राकेश जी? अच्छा, जरा आज के भारत बंद से जुड़ी जानकारी दे दीजिए, क्या तैयारी आपकी, कहां कहां रूट जो है वो बंद करने का आप लोगों ने ऐलान किया है, जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको भी जानकारी मिल जाए कि उन्हें परेशानी ना हो जब अपने घरों से निकले तो। उनको घरों से क्यों निकले, किसी हकीम ने बता रखा आज घरों से निकलना, अरे आराम करे, छुट्टी करे आज, और सबसे अपील है कि भाई लंच के बाद में निकलना, घर से निकलेंगे वे फिर रास्ते में फंसे रहेंगे, जब सबको बता दिया कि आज के बंद का सहयोग करें और 2-3 बजे के बाद में निकले, 4 बजे खुल जाएंगे, फिर अपना चले जाना। राकेश जी, जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं वो तो अपने काम के लिए निकलेंगे ना, उनको तो परेशानी में आप डाल रहे हैं ना इस बंद से। अच्छा, एक दिन में ये लॉकडाउन हो रहा, रेल नहीं चल रही, पूरा किसान तबाह है, मतलब आज ही ऑफिस में जाएंगे, वैसे तो छुट्टी ले, आज की छुट्टी है उनकी, सब की छुट्टी ले आज सब। खैर, आपका मानना है कि आज वर्किंग डे मंडे, लेकिन आप कह रहे हैं कि बंद की वजह से वो छुट्टी ले ले, तैयारी के बारे में जरा आज बता दीजिए, आज जो है भारत बंद शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर आप आश्वस्त करते हैं? आश्वासन करते हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। अच्छा, हमको लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं ये बहुत कहेंगे शांतिपूर्ण, हम तो शांतिपूर्ण तो ही करते हैं, हम अपने घर का काम करें एक आध दिन लोग, और शांति से रहेगा बिल्कुल, और जो लोग कहीं रुकते भी हैं उनको भाई दूध की सप्लाई नहीं रोक रहे, फल फ्रूट की नहीं रोक रहे, कोई डॉक्टर के जा रहा उसकी नहीं रोक रहे, एम्बुलेंस नहीं रुक रहे, कोई आदमी ये कहता कि जी मुझे बहुत ज़रूरी काम है, वो है महिलाएँ हैं बच्चे हैं तो उसको भी जाने देते हैं, मिलिट्री गाड़ी है तो छूट तो दे रखी, हमने कोई सील बंद नहीं कर रखा, आप तो ऐसे चला रहे कि जैसे हम बहुत बड़े हुए हो, अरे हमारी डिमांड है भाई, अपनी बात कह रहे, हम आम जनता को सभी अपील है कि आज बंद रखे, दुकानदारों से भी है कि बंद रखे, भाई 11 बजे दुकान खोलते हैं, आज 3 बजे के बाद में खोल लेंगे 4 के। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।